रांची नगर निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न मुद्दों को अपनी मांगों में रखा, जिसमें कि निगम कर्मचारियों को राज्य सरकार कर्मचारियों के समतुल्य 7वां वेतनमान देने की बात रखी। वहीं एमएससीपी कर का लाभ मांगा जा रहा है। मैट्रिक पास आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। दैनिक कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। उसके बाद अशिक्षित जो अनुकंपा जो जिनके फादर डेथ कर गया था, शिक्षित है उनके परिवार को दैनिक या संविदा में बहाली, दैनिक कर्मचारियों को स्थायीकरण एवं रांची नगर निगम में सभी कार्य निगम अपने स्तर से करता था। स्थापना समिति नगर निगम कर्मचारियों को जो भी समस्या होती थी निगम अपने स्तर से उस समस्या का समाधान करता था, लेकिन राज्य सरकार के गलत नीति के कारण वो सभी मामला अब नगरीय प्रशासन के अधीन हो गया, जो कि निगम कर्मचारियों के हित के लिए सही नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार की गलत नीति को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग आने वाले 10-15 दिन के अंदर रोड में उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर क्या फैसला लेती है। नगर निगम के कर्मचारियों के हित में सरकार किस हद तक उनके मांगों को लेकर सहमत होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके मांगों में से कितनी मांगों को सरकार चुनाव से पहले मंजूरी देती है, या सिर्फ यह एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा।